इधर महिला किसानों का जत्था टीकरी बॉर्डर पहुंचा है। दिल्ली पुलिस के रोकने पर महिलाओं ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी है। तस्वीरें अब आप देखिए, बसों और जीप में बैठकर ये महिलाएं पहुंची हैं। पहलवानों के समर्थन में पंजाब की महिलाएं आ गई हैं। खाना बनाने का सामान लेकर जंतर मंतर के लिए निकल पड़ी हैं ये महिलाएं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा से जुड़ी ये महिलाएं हैं जो कि प्रदर्शन करने के लिए पहलवानों के समर्थन में पहुंच रही हैं। टीकरी बॉर्डर पर महिला किसानों का जत्था पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस के रोकने पर महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये महिलाएं बसों में और जीप में बैठकर आ रही हैं। खाना बनाने का सामान लेकर पहुंच रही हैं ये किसान महिलाएं। खाने पीने का सामान तो हमारे साथ ही होता है, अगर सरकार रोक लेती तो शायद हो सकता आज हम ना जाते, इधर नाके वगैरह लगाए हुए थे। लेकिन हमारा आज एक दिन का प्रोटेस्ट है, एक दिन के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज का प्रोटेस्ट हमारा एक दिन का है। आगे अगर सरकार ने इस मसले को हल ना किया तो आगे सोचा जांच क्या होती है। जांच का मतलब होता है उसकी टॉयलेट करना, टालना और दूर लेकर जाना, उसको लोगों को गुस्सा ठंडा करने के लिए जांच का नाम दिया जाता है। जांच कोई जांच नहीं होती। जांच करने की क्या जरूरत है, क्या किसी चीज़ जांच कर रहे हैं? शरेआम ये लड़के बोल रहे हैं हमारे साथ धक्का किया है, और शरेआम बिरजमोहन गुंडागर्दी कर रहा है, शरेआम बोल रहा है कि हमने एक कत्ल भी किया हुआ है। तो वो ऐसे दोषी आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬਾਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੜਾਰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਆਇਆਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਖੜਾਰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦ ਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ। और मेरे सहयोगी अरुण कौशल मेरे साथ जुड़ गए हैं जंतर मंतर पर। अरुण मौजूद हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं अरुण? देखिए यहाँ पर जो जंतर मंतर का नजारा आज से पहले था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। मैं बता दूं हजारों की संख्या पर यहाँ पर जो महिला पहलवान जो प्रदर्शन पर बैठी थी धरना प्रदर्शन पर, तो उनके समर्थन में हजारों लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत यहाँ पहुंच चुके हैं, खाप पंचायतें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, पंजाब से किसान मोर्चा की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं, कई जो राज्य अलग है जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, यूपी से यहाँ लोग पहुंचे हैं। तो एकदम ये जो जंतर मंतर है पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एकदम जो इनके समर्थकों से भरा पड़ा है। जो जगह पहले इसी जगह पर जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ करते थे, एक ही जगह पर 5-5, 6-6 जो है प्रदर्शन हुआ कर तब भी इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाई नहीं देती थी। आज अकेले एक इसी जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है प्रदर्शन में उनके समर्थन में हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। सृष्टि पुलिस कितनी अलर्ट यहाँ पर अरुण नजर आ रही है, क्योंकि अब जो तादाद है समर्थकों की वो बहुत ही ज्यादा हो गई है।
जी बिल्कुल, पुलिस की मैं बात करूं तो पुलिस एकदम मुस्तैद है। मैं पुलिस दिखाना चाहूंगा, पुलिस यहां पर अपनी जो है कार्रवाई कर रही है, मतलब जो ड्यूटी है वो निभा रही है। पूरा जो ध्यान रखा जा रहा है इनकी तरफ से भी कि जो रश है यहां पर, जो भीड़ है उसको कंट्रोल में रखने की जो कोशिश की जा रही है कि कुछ भी ऐसे, क्योंकि होता क्या है जब इतना भीड़ हो जाती है किसी प्रदर्शन पर तो कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी इस भीड़ का फायदा उठाते हैं। तो इसलिए इस चीज का भी जो ध्यान दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे, आपको बता दूं जो जहाँ पर साक्षी मलिक का जन्म हुआ है उस खाप पंचायत ने अभी कुछ देर पहले अनाउंस भी किया है मीडिया में कि जब तक ये इनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये धरना शुरू रहेगा। आने वाली जो 16 तारीख है तब जो हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, आपके उत्तर प्रदेश से, कई जगहों से जो है लाखों की तादाद में जो है किसान मोर्चा के लोग, जो खाप पंचायतों के लोग वो पहुंचेंगे, पैदल मार्च करके यहां पर पहुंचेंगे। तो जो आज आप देख रहे हैं ये भीड़, ये 16 तारीख तक अगर कोई फैसला नहीं आता है ब्रिजभूषण के खिलाफ, या वो इस्तीफा नहीं देते हैं, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली 16 तारीख को यहाँ पर मंदिर क्या रहने वाला है। इस बीच अरुण, आप अगर पुलिस से बात कर पाए तो उनसे भी बात करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें किस तरह के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, और साथ में जो समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में है, अगर वो बात यहाँ पर करना चाहे और बताना चाहे। जी मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पुलिस के जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर, जो 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 इस व्यवस्था को पूरी तरीके से देख रहे हैं, मैं उनसे ही बात कराना चाहूंगा आपकी, और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके बारे उनसे भी बात कराना चाहूंगा। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो पहलवान है, जो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनकी जो व्यवस्था पहलवानों की तरफ से की गई है वो भी देखने लायक है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके समर्थन में उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। गर्मी है बहुत ज्यादा यहाँ पर, आप देख सकते हैं धूप काफी है, तो पानी की जो व्यवस्था, पानी की जो प्रबंध है वो भी पहलवानों की तरफ से किए गए हैं। स्पेशल जो है वॉलंटियर उनके यहाँ पर लगे हुए ड्यूटी पे, और काफी अच्छे इंतजाम उनकी तरफ से किए गए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। एक्सक्यूज मी मैम, तो अभी मैं कोशिश कर रहा था कि दिखा रहे हैं और जिस तरह से बात करवा पाऊं, तो अभी उससे तो ये समझ आ रहा है कि पुलिस यहाँ पर अगर ये शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर धरना दे रहे हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं, तो पुलिस इनको रोक नहीं रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है अपना काम कर रही है। पुलिस, मैं एक बार फिर कहूंगा कैमरामैन से कि वो दिखाएंगे, पुलिस जो है इन पर नजर जरूर बनाए हुए हैं और व्यवस्था देख रही है पूरा, मगर जो है बाकी जो चीजें पहलवानों की जो सुविधाएं हैं वो अपनी तरफ से देना चाह रहे हैं जो इनके समर्थन में है, ताकि उनको, क्योंकि कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई कहां से उनके समर्थन में यहां उतरे, हजारों की तादाद में यहां लोग पहुंचे, सैकड़ों की तादाद में महिला यहां पर पहुंची हुई हैं, तो उनकी सबकी जो व्यवस्था है वो देख रहे हैं कि ताकि सुबह से लोग निकले हैं, कोई कह रहा है कि मैं कल से निकला हूं, कोई कब से निकला हुआ है, तो सबको जो है उनके जो खाने का जो व्यवस्था वो की गई है, पानी वानी की जो सुविधा वो की जा रही है, ताकि जो उनको समर्थन जो करना है उनको थोड़ी राहत मिले गर्मी में। और जो महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बात करवाने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से हैं? पंजाब से जी। तो क्या है पूरा, आप जब आए तो क्या आपको दिक्कत हुई आने में यहाँ पर, कितना समय लगा आपने? हम पंजाब से हैं, जो हमारे को 5-6 घंटे लगे हैं आने में। हम कल से तो रहे रास्ते में रुके थे जींदा, और आज सुबह चल के यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जो लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है उसकी सपोर्ट में आए हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, हम उसकी सपोर्ट पे आए हैं पंजाब से उग्राहा जथेबंदी के साथ। अगर महिलाओं को जो है इंसाफ अब नहीं मिलता है जल्दी, तो क्या आप यहाँ पर उनके साथ धरने मौजूद रहे? क्योंकि अभी एक खाप पंचायत थी जिन्होंने अनाउंस किया है कि 16 तारीख को इससे भी बड़ा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, महिलाएं जो है अपने खाने पीने के जो सामान है वो भी साथ ले गए, ताकि धरना जब तक चले तब तक यहाँ मौजूद रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम कहना चाहेंगे भी आज तो हम एक दिन के खातर आए हैं, जे कोई उन्होंने इंसाफ ना दिता फिर असी बड़े काफले लेके बड़े हो करके संघर्ष करांगे, इन्हां नूं बच्चियां नूं असी जरूर इंसाफ दवावांगे, क्योंकि जिहड़ी इह गुंडागर्दी कर रहे ने इह बीजेपी दी सरकार, असी इहनूं पहलां भी दस के गए हां, मूंह तोड़ जवाब दे के गए हां असी पंजाब दे, क्योंकि बड़े काफले लेके असी पहलां भी इह धरती दे उत्ते आए हां, असी आपदे काले कानून बंद करा उन्हां तों
बंद करा के गए हैं मोदी ने। अरुण जी, ये जानने की कोशिश कीजिए कि मामले पर अभी जांच चल रही है, FIR दर्ज हो चुकी है ब्रिजभूषण के खिलाफ, फिर इनको क्यों लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा? अभी तो जांच हो रही है पूरे तरीके से, ब्रिजभूषण पर FIR भी हुई है, जांच भी की जा रही है, तो इनके मन में संदेह क्यों है? हाँ जी, मैं बिल्कुल बात करने की मैं बिल्कुल इस बात पे बात करना चाहूंगा। देखिए, जैसे ब्रिजभूषण के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो चुकी है, मैं पंजाबी में आप अच्छा समझेंगे इसलिए पंजाबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ पंजाबी। ब्रिजभूषण के खिलाफ जोड़ी FIR हो चुकी है, 2 FIR हो चुकी है, ठीक है। उस तो बाद थोड़ा क्यों लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं हुआ, जबकि कमेटी की जड़ी है वो जांच जड़ी है चल रही है, उधर जड़ा उन्होंने कहा है कि पूरी जो है कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, सरकारा एक बकायदा कह दिया हुंदिया ने भी जड़ा इंसाफ आ जड़ी उदे ते कारवाई होगी, पर हुंदा कुछ भी नहीं हैगा, सिर्फ उन्हां दी गल्लां हुंदियां ने सरकारां दियां भी, इत्थों जड़ा मोर्चा ओ किवें कह के लोकां नूं उठाया जावे खंडाया जावे, जिहड़े कट्ठ ने बहुत ही मुश्किल नाल हुंदे ने, इस करके जिहड़ा कट्ठ आ उह सरकार दियां अखां दे विच रड़कदा गा, इहनूं किसे ना किसे बहाने नाल बणा के भी हां असीं सज़ा देवांगे जां ना देवांगे, इक गल हुंदी आ पर इहो जिहा कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੋਕ ਦਵਾਉਣਗੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਰੁਣ, ਇਸੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? अगर जे ब्रिजभूषण के खिलाफ जड़ी है कार्रवाई चल रही है, वो जो निर्दोष साबित हो जाता है कि उन्हें कुछ नहीं किया, फिर तुसी की करना है तो कि फिर थोड़ा की स्टेप होएगी? नहीं, वो जथेबंदी विचार नहीं है भी की वो निर्दोष है जां हां, वो कार्रवाई दसू भी की ओते होना चाहिए या ना होना चाहिए। जेड़े इत्थे लोग इन्ने इकट्ठे होए नेगे, ये कुड़ियां दस रहीयां ने सरे आम भी साडे नाल शरीरक शोषण होयागा, बकायदा कोई भी झूठ नहीं बोलता हुंदा, इक लड़की नूं सब तों वड्डी जिहड़ी इज्जत आ ओह प्यारी हुंदी आ, कोई भी लड़की ये नहीं कह सकदी भी मेरे नाल रेप होया गा, अगर ओहदे नाल रेप होया तां ही ओह लड़की ये कहूगी मेरे नाल रेप होया। ये सारियां जिहड़ियां साजदा ये सरकार आ जिहड़ी घड़दी हुंदी आ, इहो जिहियां गल्लां दा बेतुकियां दा कोई फायदा नहीं हुंदा, ते जिहड़ा इंसाफ असीं लै के रहांगे। जी शिष्य, देखिए इनका यही साफ तौर पे कहना है कि कोई भी लड़की अगर उसके साथ कुछ शारीरिक शोषण हुआ है, यौन शोषण हुआ है, जो जिस के आधार पर वो ब्रिजभूषण के इस्तीफे की भी मांग कर रही है और उसके खिलाफ सजा की मांग कर रही है। बिल्कुल, अभी लड़की तो साफ नजर आ रहा है, इमोशनली धरने पर नहीं बैठती, और जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं और इसलिए ये पहुंचे भी हैं समर्थन देने के लिए। फिलहाल जांच का विषय है, अभी भी जांच हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया करूंगी अरुण, मैं जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने मौके से पहुंचाई है, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि देखिए जंतर मंतर पर तमाम जो किसान हैं, किसान महिलाएं हैं, पहुंच रहे हैं, लगातार जो समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है पहलवानों को।